नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी के सम्मुख उपस्थित हूँ राशियों का चर आदि गुण स्वभाव विचार को लेकर। प्रिय दर्शकों, आज हम राशियों के चर आदि गुण स्वभाव को समझेंगे। राशियों को तीन प्रकार की संज्ञाएं प्राप्त है, चर, स्थिर, द्वि स्वभाव। आज इन तीनों संज्ञाओं को समझेंगे और इसका ज्योतिष में कैसे प्रयोग होता है, इससे हम क्या समझेंगे ज्योतिष में, इस विषय को भी बताऊंगा। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि चर संज्ञक राशियां कौन कौन सी हैं, स्थिर संज्ञक राशियां कौन कौन सी हैं और द्वि स्वभाव की राशियां कौन कौन सी हैं। फिर समझेंगे कि यह चर, स्थिर, द्वि स्वभाव क्या है और इसका ज्योतिष में प्रयोग कैसे होता है। प्रिय दर्शकों, यह विषय ज्योतिष का एक अद्भुत विषय है, जिसके आधार पर आगे हम ज्योतिष के रहस्यों को सरलता पूर्वक समझ लेते हैं। इससे जातक का स्वभाव पता चलता है, जातक किस तरह के स्वभाव का है। प्रिय दर्शकों, इसका प्रयोग हम प्रश्न कुंडली में, यात्रा इत्यादि में भी करते हैं, तो यह विषय अत्यंत आवश्यक है जिसको आप समझें। सबसे पहले बात करते हैं कौन सी राशियां चर संज्ञक है। तो प्रिय दर्शकों, आपने पूर्व के कार्यक्रम में केंद्र आदि जो संज्ञाएं मैंने बताया था कि जन्म कुंडली के 12 भावों में किस भाव को क्या संज्ञा प्राप्त है, मैं आशा करता हूं उस विषय को आप समझ गए होंगे। आज उसी के आधार पर इन तीन संज्ञाओं को आपको समझा देता हूं, जिसे आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि आपको यह नहीं समझ में आएगा, इसके बाद मैं इसको और सरलीकृत करूंगा, वो भी यदि नहीं समझ में आएगा तो मैं उससे भी अधिक सरल करके बताने का प्रयास करूंगा। आज इस विषय को आपको तीन तरह से बताऊंगा, लेकिन आपको रटना नहीं है, आप बिना रटे समझ जाएंगे केवल देखने मात्र से। प्रिय दर्शकों, जो जन्म कुंडली का केंद्र भाव है, केंद्र भाव कौन कौन सा है, तो 1, 4, 7, 10, यानी जन्म कुंडली के जो अंदर के चार डब्बे हैं, लग्न, चौथा, सातवां और दसवां, यह केंद्र का भाव है। और केंद्र का भाव कौन कौन सा है, तो 1, 4, 7, 10। बस आपको इस संख्या को याद रखना है कि केंद्र का भाव है 1, 4, 7, 10। तो प्रिय दर्शकों, जो केंद्र की संख्या है उस संख्या की राशि को चर राशि कहते हैं, यानी पहली राशि, चौथी राशि, सातवीं राशि और दसवीं राशि चर संज्ञक राशि है। अब पहली राशि कौन सी है, तो मेष, चौथी राशि कर्क, सातवीं राशि तुला और दसवीं राशि मकर। तो मेष, कर्क, तुला और मकर राशि चर संज्ञक राशि है। इसके बाद स्थिर राशि कौन सी है, तो कुंडली का जो पणफर भाव है, पणफर भाव कौन सा है, तो 2, 5, 8 और 11। प्रिय दर्शकों, तो दूसरी राशि, पांचवी राशि, आठवीं राशि और ग्यारहवीं राशि स्थिर संज्ञक राशि है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, दूसरे भाव में यानी दूसरी संख्या की राशि पर स्थिर राशि, यहां पांचवी, आठवीं और ग्यारहवीं पर भी मैंने लिख दिया है वहां, जिससे आप और सरलता पूर्वक समझ जाएंगे। लेकिन आप याद रखें कि जो पणफर भाव है 2, 5, 8, 11, उस संख्या की राशि स्थिर राशि है। इसके बाद द्वि स्वभाव राशि, तो आपोल किम जो संज्ञा है, आपोल किम भाव कौन कौन सा है, तो 3, 6, 9, 12, यानी तीसरी राशि, छठवीं राशि, नवी राशि और बारहवीं राशि को द्वि स्वभाव राशि कहा जाता है। प्रिय दर्शकों, मैं आशा करता हूं कि आप यह समझ गए होंगे कि कौन सी राशि चर संज्ञक है, कौन सी स्थिर संज्ञक और कौन सी द्वि स्वभाव संज्ञक। आपको और सरलता से बताऊं तो आपको मात्र तीन शब्द याद रखने हैं, पहला चर, दूसरा स्थिर और तीसरा द्वि स्वभाव। पहला चर है इसलिए पहली राशि चर संज्ञक, दूसरा स्थिर है इसलिए दूसरी राशि यानी वृष राशि स्थिर संज्ञक और तीसरा है द्वि स्वभाव। तो प्रिय दर्शकों, तीसरी राशि मिथुन राशि द्वि स्वभाव। अब चर संज्ञक राशियों में आप तीन जोड़ते चले जाइए, जैसे मेष हो गई चर संज्ञक, तो मेष में आप तीन जोड़िएगा तो प्राप्त हो जाएगा 4, यानी कर्क राशि चर संज्ञक। फिर 4 में आप तीन जोड़िएगा तो प्राप्त हो जाएगा 7, यानी सातवीं राशि चर संज्ञक। फिर 7 में आप तीन जोड़िएगा तो 10, यानी दसवीं राशि चर संज्ञक। यानी चर संज्ञक राशियों में जब आप तीन जोड़िएगा तो वह चर संज्ञक राशियां प्राप्त होती चली जाएंगी।
इसी प्रकार जब आप स्थिर राशियों में तीन तीन जोड़ते चले जाइएगा तो आपको एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी स्थिर संज्ञक राशियां प्राप्त हो जाएंगी। कैसे, आइए समझते हैं। वृष राशि स्थिर संज्ञक राशि, वृष में तीन जोड़ेंगे सिंह, स्थिर संज्ञक राशि। फिर सिंह में तीन जोड़ेंगे वृश्चिक, स्थिर संज्ञक राशि। फिर वृश्चिक में तीन जोड़ेंगे तो 11 कुंभ, स्थिर संज्ञक राशि। तो आप तीन जोड़ते चले जाएंगे, आपको वही संज्ञा की राशि प्राप्त हो जाएगी। आइए द्विस्वभाव को समझते हैं। मिथुन राशि द्विस्वभाव राशि, तीन में तीन जोड़ेंगे 6, द्विस्वभाव राशि कन्या। कन्या में तीन जोड़ेंगे 9, धनु राशि द्विस्वभाव राशि। फिर धनु में तीन जोड़ेंगे तो 12 यानी मीन राशि द्विस्वभाव राशि। प्रिय दर्शकों, चर संज्ञक राशि, स्थिर संज्ञक राशि और द्विस्वभाव संज्ञक राशियों को ज्ञात करना बहुत ही सरल है। प्रिय दर्शकों, मैं आशा करता हूं कि अब आप समझ गए होंगे, लेकिन पुनः कहता हूं, यदि इतने पर भी यदि आपके समझ में नहीं आया होगा तो आप हथेली के चार उंगलियों पर गिनकर यह ज्ञात कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अपने हथेली के चार उंगलियों पर गिन लीजिए। प्रत्येक उंगली में तीन पर्व है यानी पोरुआ है, जिसको मैं हस्तरेखा के समय बता चुका हूं। इन प्रत्येक पोरुओं में एक एक संज्ञाएं बैठा लीजिए, चर स्थिर द्विस्वभाव। इस प्रकार चारों उंगलियों में जो नीचे का पर्व है वह चर संज्ञक, जो मध्य का है वह स्थिर संज्ञक और जो ऊपर का है पोरुआ पर्व है वह द्विस्वभाव संज्ञक। अब मेष, मेष नीचे के पर्व में आया तो चर संज्ञक हो गया, वृष मध्य में आया तो स्थिर संज्ञक और मिथुन ऊपर के पोरुआ में आया तो द्विस्वभाव। इसी प्रकार चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव। आप इन पे 12 राशियों को गिन लीजिए, जो राशि जिस पोरु पर प्राप्त हो आप समझ गए होंगे कि वह राशि कौन सी संज्ञक है। तो आप हथेली के चार उंगलियों पर भी इसे गिन सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अब बात करते हैं कि चर स्थिर द्विस्वभाव क्या है। तो जैसा कि मैं कह रहा हूं, यह स्वभाव है। चर यानी चलित, क्रमशः चलने वाला, बदलने वाला, परिवर्तनशील जो है वह है चर। यानी जिन जातकों की राशि चर संज्ञक है उनका स्वभाव, उनका विचार परिवर्तनशील है, बदलने वाला है। जैसा मेष राशि के जातक अपने विचार में परिवर्तन ला सकते हैं, उनका विचार परिवर्तनशील है। और उसी प्रकार कर्क, तुला और मकर राशि वाले जातकों का विचार जो है, स्वभाव जो है वह परिवर्तनशील होता है, क्योंकि यह चर संज्ञक राशि है। बात करते हैं स्थिर संज्ञक राशि की। तो स्थिर का मतलब आप समझ रहे हैं, स्थिर, अडिग, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसीलिए उसको कहते हैं स्थिर या अचर, न चर इति अचर। जिसका चर नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा, वह है अचर यानी स्थिर संज्ञक राशि। तो स्थिर संज्ञक राशि कौन है? तो 2, 5, 8 और 11 वृष राशि वाले जातक, सिंह राशि वाले जातक और वृश्चिक राशि वाले जातक और कुंभ राशि वाले जातकों का स्वभाव परिवर्तन नहीं होता, उनका विचार परिवर्तन नहीं होता। जो वह सोच लेते हैं उस पर अडिग हो जाते हैं और वही करते हैं शुरू से अंत तक, इसलिए इनका स्वभाव अडियल स्वभाव है, अडिग स्वभाव है। और द्विस्वभाव वाले, तो द्विस्वभाव वाले जातकों का जो स्वभाव होता है वह मिला जुला होता है। यानी यदि इनको समझाया जाए तो भी यह अपना स्वभाव बदल लेते हैं, अपना विचार बदल लेते हैं। इनके अंदर जो स्वभाव स्वयं से होगा, जो करने की इच्छा होगी वह भी अस्थिर होगी, वह भी मिला जुला होगा। पूर्व में यानी जो द्विस्वभाव संज्ञक राशियां हैं, इनके स्वभाव में पूर्व में स्थिरता होगी और उत्तर यानी अंत में चर संज्ञक का स्वभाव हो जाएगा। यानी यह जो भी सोचे, जो भी करें, वह पूर्व में स्थिर रहेंगे, उस पर स्थिर रहेंगे, उस विचार पर, उस कार्य पर स्थिर रहेंगे और अंत में परिवर्तनशील हो जाते हैं, बदल लेते हैं। ऐसा द्विस्वभाव वालों का स्वभाव है। अब द्विस्वभाव कौन कौन? तो 3, 6, 9, 12 यानी मिथुन राशि वाले, कन्या राशि वाले, धनु राशि वाले और मीन राशि वाले जातकों का स्वभाव परिवर्तनशील होते हैं और उनमें भी मिला जुला, पहले अडिग फिर बाद में परिवर्तनशील हो जाते हैं।
प्रिय दर्शकों, अब इसको प्रश्न कुंडली पर कैसे समझेंगे और यात्रा विचार में कैसे समझेंगे? तो शास्त्रकार कहते हैं, यदि यात्रा के समय प्रश्न कुंडली में चर लग्न उपस्थित हो, यानी लग्न मेष, कर्क, तुला या मकर का हो, तो यात्रा शीघ्र होगा, सुखद होगा और जातक यात्रा कर शीघ्र ही वापस आ जाएगा। तो यदि आप चर राशि में यात्रा कर रहे हैं तो लाभप्रद होगा। अब बात करते हैं कि यदि आप व्यवसाय करने जा रहे हैं, दुकान खोलने जा रहे हैं, घर बनाने जा रहे हैं, तो आप किस लग्न में बनाएं, तो उसमें भी यह सहायक है, स्थिर लग्न में। शास्त्रकार कहते हैं, प्रश्न कुंडली में जब स्थिर लग्न का उदय हो रहा हो, लग्न में स्थिर राशि 2, 5, 8, 11 राशि में से कोई भी एक राशि लग्न में हो, उस लग्न में यह कार्य प्रारंभ करें। मकान, दुकान और व्यापार का कार्य स्थिर लग्न में प्रारंभ करने से वह अधिक समय तक चलेगा, उसमें स्थिरता रहेगी। इसी प्रकार द्विस्वभाव मिलता जुलता, पूर्व में स्थिर, अंत में परिवर्तनशील। प्रिय दर्शकों, मैं आशा करता हूँ कि आज का विषय आप समझ गए होंगे। चर संज्ञक, स्थिर संज्ञक और द्विस्वभाव संज्ञक राशियां भी आप अब सरलता पूर्वक ज्ञात कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए अनुमति दें, नमस्कार।